तो आप सभी लोग थंबनेल देखकर ही आए होंगे। थंबनेल में मैं जो डाला था ना उसके बारे में ही टॉपिक का जो मेन मुद्दा है ना वो ज्यादा फोकस्ड है। तो आज के इस वीडियो में ना हम बहुत ही बढ़िया बढ़िया दो न्यूज कवर करेंगे, ज्यादातर नहीं दो, ठीक है। और थंबनेल में जो था वही है, मतलब मैं क्लिक बेट थंबनेल नहीं बनाता हूँ, ये सबसे बड़ा मतलब चीज है। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो बेसिकली होने वाला है दो जो नया टीम होगा उनका स्पेशल पिक कौन कौन सा खिलाड़ी हो सकता है। मतलब देखिए तीन खिलाड़ी को रिटर्न करेगा, मतलब तीन खिलाड़ी रिटर्न नहीं तीन खिलाड़ी को पहले से पिक करेगा वो मेगा ऑक्शन से पहले। तो उस जगह पर वो तीन खिलाड़ी दोनों टीम के लिए कौन कौन सा खिलाड़ी हो सकता है और कितना प्राइस में जाएगा वो भी बताऊंगा, ठीक है। मतलब उसके लिए ध्यान से इस वीडियो को लास्ट तक देखो और बहुत ही मजा होने वाला है वीडियो में। तो जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब करो और अगर मेरे रेगुलर व्यूअर्स हो तो जरूर से वीडियो को लाइक करो। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं हूं आकाश और आप देख रहे हैं एडी क्रिकेट न्यूज। अगर थोड़ा सा भी पसंद आए ना तो जरूर से सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। एक उंगली की बात है, दबा दिए एक बार तो भाई और दूसरा बार करने को नहीं बोलूंगा, तो जरूर से दबा दो तो सब्सक्राइब कर लो। और एक भी टॉपिक है जो कि हैदराबाद के ऊपर बेस्ड है, मतलब सनराइजर हैदराबाद के ऊपर बेस्ड है, उसके ऊपर भी बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को एकदम से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सबसे बड़ा जो मुद्दा था उनको आपको सबसे पहले जानना पड़ेगा कि 25 तारीख तक लास्ट डेट था कि 25 तारीख को आप सभी लोगों को पता चल जाएगा कि स्पेशल पिक कौन कौन सा खिलाड़ी हो सकता है, मतलब दोनों टीमों में कौन कौन सा नया नया खिलाड़ी जा सकता है। लेकिन उस जगह पर वो थोड़ा सा डिले हो गया है, क्यों? क्योंकि अहमदाबाद का जो कंपनी है ना, मतलब जो कंपनी अहमदाबाद को खरीदा है कि सीबीसी कंपनी के साथ थोड़ा सा मसला हो गया था, उसी वजह से केस चल रहा था थोड़े दिन तक, तो उस जगह पर वो सॉल्व लगभग हो ही चुका है, ठीक है। और आप लोगों को मैं ये बात बता दे रहा हूँ कि स्पेशल पिक आपको जनवरी के सेकेंड वीक के अंदर मिल सकता है, मतलब जनवरी के सेकेंड वीक के पहले आप सभी लोगों के पास ऑफिशियली खबर आ सकता है कि कौन कौन सा खिलाड़ी को पिक किया गया है। लेकिन आज की इस वीडियो में ना हम वही थोड़ा सा प्रेडिक्ट करने वाले होंगे कि दोनों टीम के लिए ना कौन कौन सा खिलाड़ी जा सकता है दोनों टीमों में, जो कि बहुत ही बड़ा बड़ा खिलाड़ी बाहर आ गया है मेगा ऑक्शन के लिए, ठीक है। तो उस जगह पर कौन कौन सा खिलाड़ी आ सकता है उसके बारे में ही बात करेंगे। तो सबसे पहले लखनऊ के बारे में शुरू करते हैं, ठीक है। तो देखिए लखनऊ का जो टीम है ना वो मतलब उनके साथ कोई मसला नहीं है, मतलब वो लोग पहले से ही बता रहा है कि उनका ये चॉइस हो सकता है। तो उस जगह पर फर्स्ट चॉइस लखनऊ में जा सकता है कौन? केएल राहुल। ये भाई कंफर्म है, ठीक है, आप लिखवा लीजिए कि कंफर्म है कि केएल राहुल लखनऊ में जाएगा। और कितना रकम से जाएगा इसके ऊपर बाद में आते हैं, लेकिन पहले बता देता हूँ केएल राहुल फर्स्ट चॉइस होगा, ठीक है। उसके बाद आता है सेकंड चॉइस खिलाड़ी जो कि है राशिद खान। राशिद खान को भी वो लोग कॉन्विंस करके ले आया है, मतलब बाहर ले आया है सनराइजर हैदराबाद से, मतलब इसको भाई क्या बताएं, क्योंकि देखिए सनराइजर हैदराबाद भी कुछ भी नहीं कर सकता है। और मतलब राशिद खान के ऊपर पूरा था कि वो कौन से टीम के साथ जाएगा, कौन से टीम के बाद में ज्यादा विश्वास करेगा। तो उस जगह पर मुझे लगता है कि राशिद खान बाहर निकल आया है इस मतलब लखनऊ के लिए ही, लखनऊ ही उनको वापस से लेगा अपने टीम में, तो उस जगह पर सेकेंड चॉइस हो सकता है। लेकिन थर्ड चॉइस जो होगा ना वो कौन होगा, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क था। और एक चीज की थर्ड चॉइस बताने से पहले ना मैं आप लोगों को एक बात बताऊंगा कि देखिए अगर कोई भी टीम किसी भी खिलाड़ी को मेगा ऑप्शन से पहले खरीदता है तो कितना रुपए से खरीदेगा, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और सभी बता रहा था कि भाई 20 करोड़ रुपए, कोई बता रहा था कि 15 से ऊपर, मतलब 16-17 करोड़ रुपए से खरीदा जाएगा फर्स्ट सेकंड चॉइस हो सकता है, लेकिन वैसा नहीं होगा। मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ क्योंकि ये मेरा आइडिया है कि अगर कोई भी टीम के ऊपर पहले से लागू होता है कि प्राइस टैग कि आप अगर चार खिलाड़ी को ले पाते हो तो आपका ये प्राइस टैग होना चाहिए। मतलब अगर हम देखें कि फर्स्ट रिटेंशन में इतना करोड़ आप दे सकते हो, सेकंड रिटेंशन में इतना करोड़ दे सकते हो, थर्ड रिटेंशन में उससे कम पैसा दोगे और फोर्थ रिटेंशन में एकदम कम ही पैसा दोगे, तो ये अगर चीज होता है किसी भी टीम के साथ तो ये दो टीम के साथ भी वैसा ही होना चाहिए और वैसा भी हो सकता है। मतलब यही मुझे आइडिया लग रहा है कि ऐसा ही होगा, क्योंकि देखिए किसी भी प्लेयर को आप 20 करोड़ रुपए से नहीं खरीदोगे, क्योंकि अहमदाबाद और लखनऊ को भी ना अगर बोल देता है कि आपको भी ये प्राइस टैग के ऊपर खरीदना है तो उस जगह पर ही बेहतर होगा, क्योंकि पैसा सभी के पास समान है, ठीक है, समान तरीके से पैसा खर्च करना पड़ेगा। अगर मेनली वैसा पिछले वाला रूल के तहत होता है प्राइस टैग सेट होता है तो फर्स्ट चॉइस को मिलेगा 15 करोड़ रुपए, सेकंड चॉइस को मिलेगा 11 करोड़ रुपए, थर्ड चॉइस को मिलेगा 7 करोड़ रुपए। और 7 करोड़ रुपए में कौन सा खिलाड़ी आ सकता है इस टीम में वो आप लोग मुझे जरूर से कमेंट करो बताओ। लेकिन मुझे लगता है कि हार्दिक पांड्या को लिया जा सकता है, ठीक है, मैं ये
कंफर्म नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अगर हार्दिक पांड्या को 7 करोड़ रुपए में आप लेते हो तो अच्छा रहेगा। मतलब हार्दिक पांड्या के बारे में एक्स्ट्रा क्या बताए, ठीक है, मतलब बहुत अलग लेवल का, अलग कैलिबर का खिलाड़ी है बंदा। तो जावर मैं चाहूंगा कि 7 करोड़ रुपए देकर आप हार्दिक पांड्या को थर्ड चॉइस डिटेंशन कर लो, मतलब अपने टीम में शामिल कर लो स्पेशल पिक के तहत, ठीक है। तो लखनऊ का ये 3 हो गया है, ठीक है। लेकिन उसके बाद अगर हम बात करें अहमदाबाद का, तो अहमदाबाद भी बहुत ही बढ़िया तरीके से अपना टीम रेडी करेगा, लेकिन उस जगह पर अहमदाबाद के पास चॉइस ज्यादा रहेगा। मैं बेसिकली चाहूंगा कि अहमदाबाद अगर ले तो श्रेयस अय्यर को एज ए फर्स्ट चॉइस कप्तान के तहत देखे और उनको फर्स्ट चॉइस के तहत रिटेन करे, मतलब रिटेन नहीं अपने टीम में शामिल करे। और उसके बाद सेकेंड चॉइस मैं चाहूंगा कि डेविड वार्नर को उठाए, क्योंकि डेविड वार्नर भाई साहब एक अलग लेवल का खिलाड़ी है। राशिद खान जैसा कैलिबर का खिलाड़ी है, डेविड वार्नर भी वैसा ही कैलिबर का खिलाड़ी है। मुझे तो लगता है डेविड वार्नर इस लिस्ट में सबसे बेहतरीन खिलाड़ी है। मतलब आप अगर बताए ना T20 में KL राहुल श्रेयस अय्यर से भी बेहतर है डेविड वार्नर, इसमें कोई भी संशय नहीं है मेरे तरफ से। आप लोगों का क्या राय है वो आप लोग ही जाने, लेकिन जो कर चुका है ना इतना दिनों तक, जो करते आ रहा है ना एक बंदा इतना दिनों तक, तो उनको आप अंडरएस्टिमेट मत करो। तो अहमदाबाद अगर चाहे तो 3 सेकंड चॉइस के तहत डेविड वार्नर को ले सकता है 11 करोड़ रुपए देकर, ठीक है। और लास्टली इस टीम को ना 7 करोड़ में एक बंदा चाहिए जो कि अच्छा खासा खेले, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ईशान किशन को मिलेगा, क्योंकि ईशान किशन ना इतना कम रेट में नहीं जाएगा। अगर मैं दोनों टीम में थर्ड चॉइस में ईशान किशन को रखता ना तो 9th भी होता, क्योंकि ईशान किशन ना उससे ज्यादा पाने का दम रखता है। तो उस जगह पर मैं देखिए, अगर ईशान किशन हो, अगर वो चाहते हैं कि वो पहले से ज्वाइन कर लेगा किसी भी टीम में तो वो अलग चीज़ है, लेकिन वो अगर चाहे कि मैं मेगा ऑप्शन में जाऊंगा और किसी भी टीम के साथ कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि मुंबई के साथ थोड़ा सा मतलब मसला है कि मुंबई वापस से अगर उनको लेना चाहे तो वो वापस से मेगा ऑप्शन में जाएगा। तो उस जगह पर अगर ईशान किशन ना जाता है मेगा ऑप्शन में, तो उस जगह पर मुझे लगता है कि अहमदाबाद यूजी चहल के ऊपर डेफिनेटली जाएगा। 7 करोड़ रुपये देकर यूजी चहल को अपने टीम में शामिल कर लेगा, क्योंकि यूजी चहल राशिद खान के पास सबसे बेहतरीन स्पिनर है, ठीक है, हमारा इंडियन प्रीमियर लीग में। तो उस जगह पर मैं तो चाहूंगा भाई यूजी चहल को आप ले लो, अच्छा रहेगा। तो दोनों टीम के लिए ये 3 हो गया मेन चॉइस आपका स्पेशल पिक। आप लोगों को इसके बारे में क्या राय है वो आप लोग मुझे जरूर से कमेंट करो बताओ। आप लोगों को मुताबिक कौन सा खिलाड़ी को लेना चाहिए, कौन सा खिलाड़ी को नहीं लेना चाहिए, वो भी जरूर से कमेंट करो बताओ। उसके बाद जो न्यूज आप लोगों को देना था कि शिखर धवन के ऊपर ना एक बहुत ही बड़ा न्यूज निकला है कि शिखर धवन वापस से सनराइजर्स हैदराबाद के साथ कंटिन्यू कर सकता है। मतलब सनराइजर हैदराबाद वापस से शिखर धवन को अपने टीम में शामिल कर सकता है, और उस पोजीशन पर ना शिखर धवन को अगर वापस से ले लेता है बहुत दामों से जाएगा, इसमें कोई भी संशय नहीं, क्योंकि बहुत ही बड़ा खिलाड़ी है शिखर धवन और कंसिस्टेंट खिलाड़ी है। ऐसा कंसिस्टेंट खिलाड़ी कम ही मिलता है, ठीक है, IPL में या फिर किसी भी जगह पर क्रिकेट में कंसिस्टेंट खिलाड़ी बहुत कम मिलता है। तो उस जगह पर शिखर धवन एक बेस्ट चॉइस हो सकता है। और एक बात कि सनराइजर हैदराबाद की ओर से और एक अलग वाला न्यूज आ रहा है कि टॉम मूडी के साथ थोड़ा सा कॉन्वर्सेशन हो गया है, एक अलग लेवल का कॉन्वर्सेशन हो गया है डेविड वार्नर का। मतलब कॉन्वर्सेशन नहीं, ट्विटर में एक बात छिड़ गया है कि टॉम मूडी एक ट्वीट किया था कि इंग्लैंड मतलब हार गया है ऑस्ट्रेलिया से, उसके ऊपर एक ट्वीट किया था। लेकिन वहां पर एक फैन, एक सनराइजर हैदराबाद फैन कमेंट किया था कि सनराइजर हैदराबाद का ऑक्शन इस साल का कैसा हो सकता है, प्लीज रिप्लाई कीजिए, ऐसा कुछ कमेंट किया था। और उस कमेंट को रीट्वीट करते हुए डेविड वार्नर बताता है कि डाउट है, मतलब हाँ हाँ ऐसा कुछ था, हाँ हाँ डाउट इट, मतलब क्या बताए इसके बारे में। तो ऐसा कुछ मतलब ये मुझे बताना चाहिए था या फिर नहीं चाहिए था, ये आप लोग मुझे जरूर से कमेंट करना बताइए। और ऐसा न्यूज़ क्या देना चाहिए वो भी मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं फिर भी दे दिया क्योंकि डेविड वार्नर के ऊपर था और सनराइजर हैदराबाद से जुड़ी हुई था इसीलिए। तो आप लोग इसके बारे में क्या राय है जरूर से कमेंट करो बताओ, और आज का ये वीडियो कैसा लगा वो भी जरूर से कमेंट करो बताओ। और जरूर से इस वीडियो का थोड़ा सा ही पसंद आया है तो उसे लाइक कमेंट एंड शेयर कर दो, और शेयर ना अगर कर सकते हो ना तो जरूर से करो शेयर, ठीक है, मतलब मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि शेयर कर सकते हो। तो अभी के लिए बस इतना ही।